सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल अहमदाबाद बज्जी प्रेस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स दोनों बड़े अच्छे होंगे और आप बड़े अच्छे से अपने बर्ड्स का ध्यान भी रख रहे होंगे। और अभी यहां पर शॉप के अंदर मैं वीडियो निकाल रहा हूँ अलायत पेट शॉप गोमतीपुर अहमदाबाद के अंदर, जो अपनी पेट शॉप है, माशाल्लाह आपकी दुआओं से बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वीडियो यहाँ का नहीं आने वाला, यहाँ पे मैं इंट्रो ले रहा हूँ बस। यहाँ से सीधा हम जा रहे हैं हमारी कॉलोनी में। आज हम दोस्तों कॉकटेल को बॉक्सेस देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा सारा कॉकटेल का ही सेटअप है, पूरे हैवी म्यूटेशन कॉकटेल्स, मोस्टली मैंने अल्बिनो के साथ में व्हाइट फेस लगाए हुए हैं। तो उन सारों को आज हम बॉक्स देने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी खत्म हो चुका है। तो अभी सबको बॉक्स दे देंगे हम। बॉक्स देने के बाद ब्रीडिंग देखेंगे कैसी होती है उनकी। कॉकटेल्स की हैवी म्यूटेशन के हम ब्रीड लेने वाले हैं। और साथ ही साथ ये एक वॉच भी है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी तो इसको मैंने ठीक कर दिया। और ये ह्यूमिडिटी मीटर वाली वॉच वहां पे लगाएंगे, देखेंगे कैसा रिजल्ट मिलता है इसका। काफी अच्छी वॉच है, अमेजोन से आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। बढ़िया ही है क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह सब दिखाती है, टाइम वगैरह सब अच्छा है उसमें दिखाता है। तो मेन तो ह्यूमिडिटी हमारे काम की है क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है दोस्तों 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए, 50% के अभाव होनी चाहिए तो आपकी ब्रीडिंग एक अच्छी ब्रीडिंग रहती है। मतलब अंडों को जो तापमान चाहिए होता है, जो ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है पर्टिकुलर, वो लेवल 50 के ऊपर ही होना चाहिए, 50 के नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलिए जाते हैं, हम जाकर देखते हैं कि कैसा चल रहा है वहां पर सब कुछ और बॉक्स लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बॉक्सेस सारे हमने यहाँ पर बाहर रखे हुए हैं। काफी सारे बॉक्सेस है, सबको हमने एकदम अच्छे से साफ कर दिया था और बॉर्डर स्प्रे मार के एक दिन इनको हमने सुखाने रखा था। अब ये धूप में सूख चुके हैं, अच्छे से देख सकते हो अभी भी धूप पड़ रही है इनके ऊपर। तो आपको इसी तरह करना है, अगले साल पिछले साल के जो बॉक्स रखे होंगे आपने उनको बाहर निकालना है। पहले तो कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना है और बाद में कोई भी स्प्रे, जैसे कि मैं फिलहाल अभी स्टार फार्म का बॉर्डर स्प्रे यूज कर रहा था तो बॉर्डर स्प्रे मार के सबको मैंने रख दिया था, अच्छे से सब सूख चुके हैं। अब हम इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालेंगे और एक एक करके इनको लगाएंगे। जैसे कि सलमान भाई यहाँ पर है तो मैं उनसे हेल्प करूंगा कि थोड़ा सा वो नेस्टिंग मटेरियल डाल दें इनके अंदर। देख सकते हो नेस्टिंग मटेरियल में मैं अभी लकड़े का भूसा दे रहा हूँ, जिसको वुड शेविंग भी बोलते हैं। ये कोई भी आप लकड़ी की दुकान पे जाओगे जहाँ पे लकड़ी के अलग अलग आर्ट वर्क वगैरह या दूसरे कुछ भी काम होते हैं, वहाँ पर आपको फ्री में ही दे देंगे, कोई पैसा वैसा लेता नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो पूरा, जैसा कि ये होता है पूरा 25 किलो का कट्टा पूरा अगर भर के लेते हो तो हो सकता है 20-50 रुपये चार्ज कर ले आपसे। लेकिन थोड़ा सा लाते हो आप तो कोई भी आपको ऐसे ही दे देगा फ्री में। ये हालांकि ऑनलाइन भी मिलते हैं, हर कोई अलग अलग तरह का यूज़ करता है, कोई पेड भी जिस तरह ऑनलाइन मंगा के अच्छे वाले भी यूज़ करते हैं बहुत, लेकिन ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे साफ होना चाहिए, इस टाइप को थोड़ा बड़ा यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। देखिए इस तरह का आपको रखना है, मिल जाएगा कहीं भी फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे वैसे लेता नहीं जनरली। वैसे आप बोलोगे कि मुझे बर्ड्स को देना है, बर्ड्स के घोंसले में डालना है तो कोई सेवा भाव से कोई ऐसा ही दे देगा, कोई पैसा तो लेता नहीं है वैसे। चलिए अब सब बॉक्स के अंदर डालते हैं एक एक करके। सलमान भाई थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, सब बॉक्स के अंदर फटाफट हम फिल कर देते हैं मिलके और फिर इसको लगाते हैं, देते हैं हम बॉक्स कॉकटेल्स को। हमारे ब्रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, तारीख है आज 29 फरवरी, लीप ईयर है तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो और आज हम बर्ड्स को बॉक्स देने वाले हैं। चलिए तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, पहले हम एक एक करके सबके अंदर डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हमारी सबसे पहली पेयर जो है, सबसे ओल्ड केज जिसको हम कहेंगे, ये हमारा पुराना केज 4 साल पहले हमने बनवाया था, उसके लिए 3 बॉक्सेस स्पेशल हमने बनवाए थे ताकि बॉक्स वहां पर इजीली फिट हो सके। अभी इस तरह का केज नहीं बनेगा, काफी लोग मुझे पूछते और जो 4 साल पुरानी वीडियो देखकर क्या इस तरह कोई देगा बना के, तो अभी फिलहाल वो बंदा मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर में नहीं है फिलहाल, अभी वो पता नहीं नंबर उसका डिलीट हो गया क्या हो गया। तो तीनों के लिए देखिए ये बॉक्सेस है, लकड़े का भूसा हमने डाल दिया है अंदर, अब तीनों को हम लगा देते हैं एक एक करके। वहाँ साइड में देखिए इस तरह से डोर दिया है, बॉक्स के लिए अलग से ही दरवाजा है इसके अंदर, ये खुल जाएगा और बॉक्स यहाँ पर इजीली रख सकते हैं हम। तो सलमान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप थोड़ा सा बॉक्स डाल दीजिए यहाँ पर। ये चला गया, अब गेट भी बंद हो जाएगा आराम से। पर्टिकुलर उस साइज का ही हमने लिया था बनवा के, बर्ड्स को स्पेस भी काफी रहेगा, नीचे फ्लाई कर सकते हैं, ऊपर फ्लाई कर सकते हैं बड़े अच्छे से। देखिए दूसरे गोल्डे को भी दे रहे हैं, थोड़ा संभल के देना होता है ताकि ये फ्लाई ना कर जाए। देखिए बहुत बढ़िया, अभी तीसरे वाले को भी दे देते हैं। सबको मैंने बॉक्सेस दे दिए, तो आप भी चाहते हो कॉकटेल की ब्रीडिंग लेना तो कॉकटेल की ब्रीडिंग बेशक आप ले सकते हो,
प्रॉपर गर्मियां स्टार्ट हो रही है तो गर्मी में कॉकटेल इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेंगे आपके वहां पर। तीनों पैर मेरे पास एक जैसी ही पैर है, मतलब मोस्टली मैंने यही पैर लगाई हुई है, इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिलता है इसलिए मैं ये पैर लगाता हूँ। आप देख सकते हो मैं लगाता हूँ अल्बिनो की फीमेल के साथ व्हाइट फेस का मेल, नीचे भी ऐसा ही है अल्बिनो की फीमेल के साथ में व्हाइट फेस का मेल, यहाँ पर भी ऐसा ही है। सब मेरी पैर डीएनए के साथ में है, सब क्लोज रेंज के साथ में और बड़ी अच्छी ब्रीड करती है सारी पैर। तो रेस्ट देने के बाद इनकी ब्रीडिंग लेने का वक्त आ चुका है तो बॉक्स दे दी हमने माशाल्लाह से इनको। चलिए दूसरे सबको भी बॉक्स देते हैं। अब इन सारों को बॉक्स देने की बारी है। ये वाली एक पैर है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले ही बॉक्स दिया था, लकड़ी का भूसा अंदर डाला नहीं था लेकिन बस ऐसे ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा भाप लिया था और मैंने इनको पहले ही बॉक्स दे दिया था। पैर अभी बॉक्स के अंदर ही बैठी, आपको मैं पहले से ही दिखा देता हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्बिनो के साथ में मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हो ये जो दूसरी ब्रीड लगाई हुई है, आप देखकर बताइए इसको क्या कहते हैं। सही कमेंट करने वालों को दोस्तों मैं पिन करूंगा उनकी कमेंट, वो दूसरे का नाम आपको मुझे बताना है क्या है। देख सकते हो दोबारा से पास से दिखा देता हूँ अच्छे से। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पैर है ये। थोड़ा सा मतलब विंटर सीजन चल रहा था, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे वो मुझे ऐसा लगा इसलिए इनको मैंने पहले ही बॉक्स दे दिया था। बूट शेविंग के अंदर हम लोग डाल देंगे और अब बाकी सबको ऊपर बॉक्स लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पैर है उसको भी हम बॉक्स दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बॉक्स काफी इजीली इंस्टॉल हो गया, हुक दिए ही होते हैं, बस हुक को सिर्फ लगाना होता है उस गेट को ओपन करके और ये बॉक्स लग चुका है। अब नीचे वाले को बॉक्स लगाएंगे। ये पैर काफी बढ़िया है, एक पीस इसके अंदर फेलो है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉस्टली भी, बहुत अच्छा पैर है ये। हैवी म्यूटेशन में कॉकटेल में आप भी वर्क करिए लेकिन बेसिक जो म्यूटेशन है उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद, नॉर्मल म्यूटेशन अगर आप पाल चुके हो तो थोड़ा हैवी में जाने के लिए आप कॉकटेल हैवी म्यूटेशन पाल सकते हो। ये बॉक्स भी इंस्टॉल हो गया। सलमान भाई इसको वुड शेविंग थोड़ी सी देना है हमें क्योंकि पहले बॉक्स लगाया था जब वुड शेविंग नहीं थी इसके अंदर, तो हम थोड़ी सी वुड शेविंग डाल देते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर एक पैर को बॉक्स देना है, ऊपर एक पैर को बॉक्स देना है, नीचे वहां पे दो पैर को बॉक्स देना है। इन दो का बॉक्स मैं पहले ही लगा चुका था एक हफ्ते पहले, तो वहां बॉक्स देना है। और एक खास चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये देख रहे हो हमारे पास कुछ पैर फ्लावर बजीज यानी हेलीकॉप्टर बजीज भी है हमारे पास में, इसका अपडेट शायद मैंने नहीं देखा पहले, तो कुछ पैर फ्लावर बजीज है हमारे पास में, काफी अच्छे है ये। इनकी भी मटकियां आज नहीं तो कल मैं लगा ही देता हूँ, फिर इनकी ब्रीड ले लेंगे हम लोग। रेडी टू ब्रीड है सलमान भाई, सलमान भाई कह रहे हैं रेडी टू ब्रीड है, पूरा ध्यान वही रखते हैं। चलिए अब हम बॉक्स लगा देते हैं ऊपर वाली पैर को। उसका लॉक खोलना होगा हमें दोस्तों। ऑलमोस्ट सभी के बॉक्स लग चुके हैं, आप जैसे कि देख सकते हो बॉक्स के कोने पे जाके वो लोग बैठ भी रहे, वो लोग देख रहे हैं क्या है क्या नहीं बॉक्स को। देखिए देख सकते हो बॉक्स में झाकम झाकी कर रहे हैं, क्या है भाई नीचे वाली पैर देख लीजिए या ऊपर वाली पैर देख लीजिए। यहाँ वाली पैर जो नीचे थी उसको पकड़ के हमने ऊपर डाल दी क्योंकि एक हमारे पास खाली था। और यहाँ वाली पैर भी देखिए, इसका एक बॉक्स लगा रहा, बाकी है बॉक्स में बस पैर में नहीं है। शॉप में बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है, फ्रेश बॉक्सेस उसमें से एक बॉक्स में ले आता हूँ, मेरे शॉप पे बॉक्स भी अवेलेबल होता है। वो पैर भी केस के अंदर झाकती हुई बॉक्स के अंदर झाकती हुई देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ दिन बाद आके दोबारा प्रोग्रेस का वीडियो बनाएंगे। कुछ एक एक्स्ट्रा पैर भी है मेरे पास में जो अंदर मैंने छोड़े हुए थे, उसमें से कुछ लोग मटकी पकड़ के बैठे हुए जैसे कि देख सकते हो, वो कॉकटेल मटकी के अंदर ही है, कुछ लोग बैठ रहे हैं मटकी में देखते हैं उसमें भी क्या रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही लगा छोड़ा है मैंने, अपने हिसाब से पैर लगा रहे, अपने हिसाब से ब्रीड करेंगे वो लोग। मिक्स वहां पर रखे हुए मैंने कुछ पैर, काफी पुरानी कॉलोनी, काफी अच्छा रिजल्ट मिल चुका है मुझे यहाँ पर। अब देखेंगे जैसा भी अपडेट होगा आपसे शेयर करते रहेंगे दोस्तों। इसका भी मटकी लगा दूंगा मैं अभी आज शाम को या कल, इसका बॉक्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले ही लगा दिया था इनका बॉक्स, माशाल्लाह देखिए आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई अंडे भी रख दिए होंगे इन्होंने। ऐसे ही जिसमें ऐसे ही बस चेक किया, कुछ मतलब था नहीं मेरे मन में, जैसे ही खोला तो माशाल्लाह चलो अंडे निकले इसके अंदर, बढ़िया है। देखिए इसका मतलब ये है कॉकटेल ब्रीड करना स्टार्ट कर चुके हैं, सीजन प्रॉपर आ चुका है। लीजिए आप लोग भी ब्रीड लीजिए अगर कॉकटेल है आपके पास पे, तो 6 अंडे रखे हुए इन्होंने,
मिलके कॉकटेल 4 से 6 अंडे तो रखता ही है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी मैं हाईब्रिड भी देता हूँ जो एक एडवांस ब्रीडिंग फॉर्मूला है जिससे बच्चे भी अच्छे निकलते हैं और ज्यादा अंडे भी ले करते हैं वो लोग और हेल्दी भी रहते हैं काफी। उससे बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, शॉप पे अवेलेबल होता है, एनी टाइम विजिट कर सकते हो अलायत पेट शॉप। चलिए कुछ दिन बाद दोबारा प्रोग्रेस का वीडियो बनाएंगे। अच्छा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना के आपके सामने पेश किया आपको अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह सभी के बॉक्सेस लग चुके हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली आपसे शेयर करते रहेंगे। कुछ दिनों में शॉप की भी वीडियो आएगी और अलग अलग सेटअप पे जाने का प्लान भी चालू है मेरा, वहाँ की भी वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बड़ा मजा आएगा। अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस करिए, जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ। कोई भी हेल्प एनी इंक्वायरी मुझे फोन कर सकते हो या मेरे पार्टनर सलमान भाई को फोन कर सकते हो। मेरा नंबर है 8530329381, सलमान भाई का नंबर है 8866992330। तो मिलते हैं हम किसी फ्रेश वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शिवानिल्लाह।